नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइव। पंचायती चुनाव का सरगर्मियां काफी तेज हो गई है, जिसको लेकर हमारी टीम नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत में पहुंची है। और खलवा पंचायत, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि खलवा पंचायत जो है, यहाँ पे अमित सिंह जो इस पंचायत से, खलवा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच ये जा रहे हैं, और भी तमाम जो बातें हैं, हम खासकर इनसे बात करेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ फॉर लाइव में स्वागत है, और हम जानेंगे कि पंचायत में और भी तमाम पदे हैं, लेकिन मुखिया का ही चुनाव आपने लड़ने का निर्णय क्यों ले लिया? मुखिया का चुनाव लड़ने का मेन मकसद ये है कि मैं पिछले 20 वर्षों से अपने गांव जब भी आता हूं, तो जितने भी भूतपूर्व मुखिया रहे हैं, वो मेरे पंचायत की दुर्दशा करके रख दिए हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिस पर बहुत सम्मान किया जा सके कि हमारे मुखिया ने काम किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ऐसा पद है जो हर घर के में ये बात को जा कर के कहने का और वहाँ की उनकी समस्या को दूर करने के लिए मुखिया पद से ही चुनाव लड़ना सबसे अच्छा होगा। जी, हम बात कर लेते हैं कि पंचायत में विकास को लेकर, चूँकि आप यहाँ शायद नहीं रहते हैं और भी तमाम आपके बिजनेस है, तो जब आपको यहाँ की जनता अगर विजयी बना देती है, इस पंचायत की मुखिया बना देती है, तो किस तरह से यहाँ पर कार्य करिएगा अपने आपको लेकर? ये बात को मैं थोड़ा खारिज करता हूँ कि यहाँ नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, ये बात हकीकत। मगर विगत 4 वर्षों से मैं लगातार रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है बंका मोड़ पर, तो उसके निर्माण में चाहे और भी यहाँ मैंने कुछ प्लॉटिंग वगैरह का कारोबार कर रखा है, तो लगातार रहते हैं। और कारोबार के सिलसिले में 2-4-5 दिन के लिए तो हर कोई बाहर जाता है यहाँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं रहते हैं। और जो पंचायत में जो विकास का जो रोड मैप है, वो हम लोगों ने एक अपने ढंग से नहीं, बल्कि जो सरकार की नीति है, उस नीति आयोग के तहत जो भी कार्य है हमारे वर्तमान मुखिया और भूतपूर्व मुखिया ने जिसको छोड़ रखा है, जिसमें उनको कोई कमाई नहीं है, उसका एक रोड मैप बनाए हैं, और उस रोड मैप को सारे ग्राम वासियों के साथ ग्राम सभा करके और उसको लागू करेंगे हम लोग। अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के बीच? विगत 1 वर्षों से तो मैं जनता के बीच में हूँ, सुबह शाम रात 24/7 हूँ। जब भी उनका कोई कॉल आता है, किसी की तबीयत खराब होने पर, किसी का कोई समस्या आता है, तो मैं और मेरी पूरी टीम उनके मदद के लिए हर घर पर, हर उनके कॉल पर विद इन 5 मिनट, कभी काल 10 मिनट में हम लोग पहुँचते हैं, उनकी जन समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपने तरफ से एक एम्बुलेंस यहाँ पर डोनेट किया हुआ है, जो कोरोना काल में एक लाइफलाइन साबित हुआ हमारे पंचायत के लिए। लगभग 75 लोगों की जान बचाई गई कोरोना काल में। पूरे देश में ऑक्सीजन का महामारी था, मगर हम लोगों ने ऑक्सीजन अपने जिला से, पटना से, जगह जगह से खरीद के ला करके अपने पंचायत वासियों के लिए रखा था, और सबके लाइफ सपोर्ट के लिए हम लोगों ने काम किया। कुछ लोगों को मेडिसिन भी दिलवाए। बहुत सारी गरीब परिवार है जिनकी लड़कियों की शादी में दिक्कत हो रही थी, उनको हम लोगों ने आर्थिक मदद किया, सामान से कुछ उनकी ज़रूरत की सामान था उससे मदद किया, और उनके शादी में सपोर्ट किया हम लोगों। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ श्राद्ध क्रम के लिए भी दिक्कत हो रहा था, तो उनको हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करके उनके श्राद्ध क्रम की विधि को अच्छे से पूरा कराया। तो उनके एक कॉल पर हम लोग हाजिर रहते हैं। आपका जो ये क्वेश्चन है कि जो और प्रत्याशी हैं, तो बहुत सारे जो प्रत्याशी इसमें हैं, वो पूर्व में भी यहाँ पर किसी न किसी पद पर रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना लेखा जोखा का बोर्ड क्यों नहीं लगाते हैं कि आपने ये काम किया? कोई BDC रहा है, वर्तमान मुखिया 2 बार मुखिया रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि वो अपना एक बोर्ड जहाँ पर पहले वो रहते थे ना, वहाँ पर उनका बोर्ड कोई लगा हुआ है कि मुखिया ने ये कारोबार, ये काम, ये भला काम किया, इस योजना को लागू किया, और हमारे पंचायत को तो उन्होंने लूट करके रख दिया है। मेरा डायरेक्ट उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लगभग 68 लाख रुपए से ज़्यादा का गबन किया है। अगर ये झूठ है तो सामने से हम पे केस करें, लीगल नोटिस दें, मैं उसका जवाब दूंगा कि कैसे उन्होंने लूट किया है। मैं लगातार 1 साल से उनके खिलाफ़ में आवाज़ उठा रहा हूँ, वो एक लीगल नोटिस तक नहीं दे पाते हैं। उनकी जाँच मैं हाईकोर्ट में रीट करके कराऊँगा, और उनको जेल जाना पड़ेगा।
चलिए ये चुनाव है तो आप बोल रहे हैं, अगर जनता आपको यहाँ से मुखिया बना देती है, चूंकि उम्मीद लगाई बैठती है जनता कि जिसने हमारे पंचायत का लूट घोसोट में हाथ बढ़ाया उसको सामने लाया जाए, किसने इस तरह का लूट घोसोट किया, जो सरकार की तरफ से योजनाएं पंचायत में विकास करने के लिए जो योजनाएं आती है उस योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया, तो ऐसे में आप अगर ठीक है जनता आपको जिता देती है तो क्या वाकई में जो भी यहाँ पे इस तरह के कार्य किए हैं घुसखोरी से लेकर लूटपाट जो कार्य किए हैं सरकार की योजना पर, क्या उस पर आगे भी आपकी आवाज़ बुलंद रहेगी? मेरे एजेंडा में है कि मैं जीतने के बाद जो भी पूर्व मुखिया के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया है और उनके सारे काम का मैं हाईकोर्ट में रीट करके जनहित याचिका करके उनके कार्यों की जाँच कराऊँगा और जाँच करा करके और अपने जनता को इंसाफ दिलाएंगे कि जो 8 इंची 7 इंची मोटा रोड बनना था जो 4 इंची का बना हुआ है हमारे वार्ड 3 में जहां हम रहते हैं वहां की जो रोड की हालत है कि 3 महीना पहले सड़क बनी है और ठेकेदारों ने उसकी मतलब भ्रष्टाचार की प्रकष्ठा को पार कर गए हैं, पूरी रोड फंस गई है और इस तरह से काम हो रहा है। हम लोगों ने लगातार BDO को और DM साहब को कंप्लेन दिया है, कार्रवाई उस पर थोड़ी सरकारी है, थोड़ा लेट होता है मगर कार्रवाई होगा, वो चैन से नहीं बैठेंगे, ये मेरा दावा है कि हम उनको जांच करा कर सलाखों के पीछे भेज देंगे। जनता जिस उम्मीद पर आपको लगातार जन समर्थन दे रही है, जन समर्थन के दौरान आपके चूंकि मैंने खबर भी चलाई थी जो जिस समय आपने नामांकन करने गया था उस समय काफ़ी जन सलाब के साथ आपने गया था, तो काफ़ी उम्मीद है, क्या उस उम्मीद पर खरा उतर पाइएगा? मैं 2 लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ जो गरीब हैं हमारे पूरे पंचायत में जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी मैं एक आवाज़ बनना चाहता हूं कि लोग कहें कि कोई नहीं हमारे मुखिया जी हैं मेरा काम हो जाएगा, और दूसरा कि जो हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात है कि उनको एक तकनीकी शिक्षा से जोड़ना कि जब वो शादी करके जाएं लड़कियां शादी करके जाएं तो उनको स्वावलंबन ले करके जाएं, इसके लिए हमने बिहार के जो सबसे चर्चित मुखिया हैं रितु जायसवाल उनके पंचायत में उनके बुलावे पर हम लोग गए थे, वहाँ पर देखे कि कैसे लड़कियाँ सिलाई सीख रही हैं और ये सरकारी योजना है, हमारे मुखिया जो भूतपूर्व मुखिया रहे हैं लोग तो जानते भी नहीं कि सरकार इसके लिए पैसा देती है, 1-2 तो BDC भी रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है और वो BDC चुनाव में उतर जाती हैं और उनको उनके घर के लोग बाहर अपने प्रचार के लिए जाने भी नहीं देते हैं, ये कैसा महिला सम्मान है? आप दूसरे के यहाँ कुछ और बात करते हैं और अपनी महिला को जिनसे आप चुनाव लड़ा रहे हैं उनको आप घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, हमारे पंचायत के लोग उनको देखना चाहेंगे ना कि कौन हमारी मुखिया है, उनसे हमारा भी आग्रह है कि उनसे आप लोग जाके पूछें कि आप वो क्या काम करेंगे मुखिया बनकर। चलिए आपने बताया कि रितु जायसवाल से मुलाकात किया तो क्या कुछ उनसे जानकारी मिली, क्या कुछ आगे पंचायत में विकास करने का? उनसे मिलने के बाद ये जानकारी हुई कि जो भारत सरकार के 2-3 उपक्रम है, मैं नाम नहीं इसलिए नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर जो और भी लेमैन प्रत्याशी हैं जिनको पता नहीं एजुकेशन कितना है वो तो नेट पे देखने से मालूम चलेगा, वो मेरी बात को कॉपी करके कल से इंटरव्यू देने लगेंगे, तो उस डिपार्टमेंट का तो नाम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि नल जल योजना के अलावे 50 और भी नल योजना लगाया जा सकता है जो कि रितु जायसवाल जी ने 53 लगाया है और वो 5000 लीटर का टंकी होता है और वो सोलर से जुड़ा होता है ऑटोमेटिक चलता है, वो सरकार की योजना है जी, वो सरकार की योजना और भारत सरकार का उपक्रम है और हमारे वर्तमान मुखिया और भावी प्रत्याशी ये दोनों नहीं जानते हैं किस डिपार्टमेंट से आता है, ये वहाँ जाकर देखने को मिला, उनके यहाँ पंचायत का जो तरीका है कार्य की शैली एक ऑफिस की तरह कार्य होता है, सभी के दुख सुख और उनके कार्य को उनके ऑफिस में ही निपटारा किया जाता है, उसी के तहत हम लोगों ने भी एक ऑफिस खोल रखा है और यहाँ से ही सारे के सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, बैकअप टीम है हमारा और आगे भी जब जनता जिताएगी तो हमारे जितने भी समस्या होंगे, 1-2 जो राशन कार्ड और का जो समस्या है वो ब्लॉक में जाकर होगा क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट लगते हैं, बाकी समस्याएं यहीं पर मुखिया के ऑफिस में ही सॉल्व हो जाएंगे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आपने जो बात कही कि सरकार की जो योजना नल जल योजना है उसके अलावा भी बहुत सारी योजना है, तो ऐसा क्या माना जाए कि जितने भी योजनाएं हैं आपके पंचायत में होना चाहिए वो धरातल पर नहीं है, क्योंकि लगातार खबरें आती है कि कहीं नल जल की टूटी हुई तो कहीं सड़क जो नया बना है वो धस गया है, तो ऐसे में आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं सुनने को मिल रहा है? यहाँ पे मेन समस्या आवास का है और आवास का समस्या इसलिए है कि उनसे 20-30 हज़ार रुपये के घूस का डिमांड करते हैं वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया,
दोनों को आज तक डिमांड करते रहे हैं और वो गरीब जनता दे नहीं पाती है, जिसके चलते उनका आवास बन नहीं पाता है। तो मैं उनको इस बात का दिलासा देना चाहता हूँ कि उनका आवास भी बनेगा बिना घूस दिए हुए, और जो बहुत गरीब होंगे उनको मेरे तरफ से 501 ईंटा हम लोग देने का अपना एजेंडा में शामिल किए कि हमारी तरफ से उनको दिया जाएगा कि उनके दर्द को थोड़ा कम किया जा सकते हैं। जितने के बाद जी जितने के बाद ये सारी सरकार की योजना के अलावा और भी आप अपने तरफ से आपकी योजना है उसके तरफ से आप करिएगा जी, उसकी तरफ से हम लोग करेंगे। चलिए हम सवाल आखिरी करेंगे आपसे कि जब आप जीत जाइएगा तो आपके लिए इस पंचायत में प्रथम कार्य कौन सा होगा जिससे तमाम जो गरीब गुड़वा और भी असहाय लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सहयोग और मदद मिले। दो कार्य हैं, एक कार्य मेरे पैसे से होंगे 7 दिन के अंदर में, वो होगा एक छठ घाट का निर्माण और एक शमशान घाट का निर्माण जो मेरे पंचायत में नहीं है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, ये मेरे पैसे से होंगे और 7 दिन के अंदर होंगे। जो सरकारी योजना है उसमें तीन मेरे महत्वपूर्ण, जो तीनों एक ही लाइन के हैं, पहला है आवास योजना, दूसरा है जो वृद्ध लोग हैं जिनके पेंशन रुके हुए हैं या पेंशन से नाम कटवा दिया गया है, किस दुश्मनी से कटवाया गया है तो वो जाने, मगर मैं उनका आवास और वृद्धा पेंशन के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरा अपना मेहनत से, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से, जितना नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग उनके लिए काम करेंगे। और राशन कार्ड का जब भी सरकार की यहाँ से योजना आएगा हम लोग ब्लॉक में उनकी लाइन अपने से लगवा कर और वहाँ पर खड़ा होकर मनमानी होने नहीं देंगे और वहाँ पर उनके राशन कार्ड का काम करेंगे। चलिए जनता से क्या अपील करिएगा, चूंकि चुनाव चिन्ह भी आपका मिल चुका है तो अपना चुनाव चिन्ह आपका क्या है और जनता से क्या अपील करिएगा? मेरा जनता से अपील है कि आपने कभी ना कभी किसी को वोट देकर जिताया है, इस बार मुझे जिताएं, मैं विवाद रहित हूँ पूरे पंचायत में, जो भी प्रत्याशी उनको कभी ना कभी आप लोगों ने देखा है। मेरा अपील ये होगा कि आप मुझे वोट करें, मुझे मोतियों के माला क्रमांक संख्या 1 पर नीला बटन दबाकर मुझे जिताएं, मैं पंचायत को आदर्श पंचायत से ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा, सिवान जिला नहीं पूरे स्टेट लेवल पे हमारे पंचायत को जाना जाएगा और मैं भी सम्मान के साथ कहूंगा कि मैं उसे ग्रामवासियों का मुखिया हूं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे अमित सिंह जो नौतन प्रखंड के खालवा पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जो पंचायत है खालवा पंचायत एक ऐसे निर्मम पंचायत बनाया जाएगा जो कि पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में इस पंचायत को जाना जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पंचायत की जनता इस बार किस तरह का चुनाव करती है और अपना मुखिया किसको चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।